हे एवरीवन, वेलकम टू एसटी एकेडेमिया। एक फुल फ्लेज्ड स्केचिंग करने के बाद अब बारी है कैनवस के ऊपर स्केचिंग करने की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने अपनी शीट को कैनवस के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया था। जैसे हमारी शीट वर्टिकल रेक्टेंगल था, उसी तरह से हमारा कैनवस भी वर्टिकल रेक्टेंगल है जो 30x40 साइज़ में है। यहाँ मैं स्ट्रेच्ड कैनवस यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे कैनवस क्लॉथ या फिर कैनवस क्लॉथ को किसी भी स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेच कर कर भी काम कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ मैं शुरुआत कर रही हूँ पेंसिल के साथ स्केचिंग की, एक बेसिक स्केचिंग की, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने शीट के ऊपर स्केच किया था। सबसे पहले मैंने जो कैनवस है बुद्धा फेस स्पेशली, उसे मैंने इसे डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद मैं धीरे धीरे ड्राइंग शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर फ्री हैंड ड्राइंग का मेन पर्पस ये है ताकि आप किसी भी सरफेस के ऊपर, चाहे उसका साइज कोई भी हो, आप इजीली उसे डिवाइड कर पाएं। आप अपने सब्जेक्ट को बैलेंस्ड तरीके से उसके ऊपर ड्रॉ कर पाएं। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले लाइट ड्राइंग कर रही हूँ बुद्धा के फेस की। धीरे धीरे मैं इसी ड्राइंग को डार्क भी करूंगी ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आए। आप देख सकते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर मैंने स्केच लगाया हुआ है, तो मैंने स्केच को अपना थोड़ा सा कलर्ड फॉर्मेशन में भी रख दिया। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपने स्केच को कलर्ड फॉर्मेशन में रखना है या फिर ब्लैक एंड वाइट रखना है। एट द एंड आपके पास एक प्रॉपर स्केच प्रिपेयर होना चाहिए जिसकी रेफरेंस के साथ आप इजीली स्केच कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर बुद्धा के फेस को एग्जैक्ट बनाने की कोशिश, आईज से लेकर नोज से लेकर लिप्स तक एक एक प्रोपोर्शन में ध्यान से बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में हम इस कंसेप्ट को, हम इस प्रोसेस को क्यों फॉलो कर रहे हैं और किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ हम एक कैनवस क्लॉथ के ऊपर काम कर रहे हैं। कैनवस क्लॉथ अलग अलग रेंजेस में मिलते हैं, अलग अलग क्वालिटीज में मिलते हैं। आपके पास अगर एक रॉ कैनवस क्लॉथ है तो वो पेल येलो कलर का होगा। उसके ऊपर जब आप टेक्सचर वाइट, क्योंकि यूजुअली जो वेंडर्स होते हैं वो कैनवस क्लॉथ के ऊपर टेक्सचर वाइट कर ही आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कैनवस की एक साइड येलो और एक साइड प्लेन वाइट नज़र आती है। बट ऑब्वियसली वी नेवर नो जो क्वालिटी है टेक्सचर वाइट की वो कितनी ज़्यादा प्रीमियम है, कितनी ज़्यादा नहीं। इसलिए हम ट्रेडिशनल पेंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि हम यहाँ पर एक्रेलिक ट्रेडिशनल पेंटिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसके साथ हम हर एक स्टेप में एक एक लेयर कर कर अपने कैनवस को साइड बाय साइड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बुद्धा की ड्राइंग करने के बाद, बुद्धा को प्रॉपर स्केच करने के बाद, मैं पूरे कैनवस के ऊपर बर्न सियाना, बर्न सियाना एक कलर है आपकी पैलेट के अंदर, आपके कलर बॉक्स के अंदर, येलोइश ब्राउन कलर का कलर होता है। ओके, बर्न सियाना ये आपका फॉरएवर कलर है जिसे आपको याद रखना है। तो बर्न सियाना किसी भी कलर के साथ बहुत ही ईजिली मिक्स हो जाता है आपके जो कैनवस है, क्योंकि ये प्लास्टिक कलर है, एक्रेलिक बेस है, तो आपके पूरे के पूरे कैनवस को एक लेयर देता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन कि व्हाई बर्न सियाना, व्हाई नॉट अदर कलर? बिकॉज बर्न सियाना बहुत ही इजीली किसी भी टोन के साथ मिक्स हो जाता है बिना किसी कलर को पॉल्यूट करे, बिना किसी कलर के ह्यू को चेंज करे। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से स्केच कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है धीरे धीरे हर एक फीचर बहुत ज़्यादा प्रॉपरली बनता जा रहा है। यहाँ पर मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर 4B, 2B या HB, इनमें से कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। 6B पेंसिल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान से नज़र आए कि मैं एक्चुअल में क्या ड्रॉ कर रही हूँ। बट खुद के लिए, अपने लिए, जब आप काम कर रहे हो तब आपको अपने हिसाब से आप HB पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब बारी है मॉन्क की। मॉन्क की एनाटॉमी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बिकॉज जब हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को स्केच कर रहे हैं तो उसकी एनाटॉमी का ध्यान से बना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग। तो क्योंकि आपको यहाँ पर बिग साइज़ कैनवस पर एक फुल साइज़ बॉडी
स्केच करनी है तो आपको हर एक पोर्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एग्जांपल की जैसे आप अगर स्केच में अगर आप देख पा रहे हो तो जो मॉन्क का शोल्डर है वो आई तक टच हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, जो शोल्डर है वो आई तक टच होना चाहिए। जो आर्म्स हैं वो लेफ्ट चीक तक आ रही है बुद्धा के, तो यहाँ पर भी मतलब ऐसी चीज़ों को आप कनेक्ट करने की कोशिश करो जिससे आप फ्री हैंड ड्राइंग में एक्सपर्ट बन सको। तो दोबारा से बात करते हैं बेस प्रिपरेशन की। जब आप यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे स्केच करते हुए, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार स्केच को स्टडी कर चुके हैं शीट के ऊपर, तो यहाँ कैनवस के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली इजी लगेगा बनाना, आपको लगेगा कि आप इजीली बना पा रहे हो। सो यही मैजिक होता है स्टेप्स को फॉलो करने का, प्रोसेस के साथ चलने का। तो जहाँ मैं बात कर रही थी बेस प्रिपरेशन की, हम स्केच कंप्लीट करने के बाद इस पूरे कैनवस को बर्न सियाना के साथ कवर करेंगे, एक वॉश देंगे बर्न सियाना के बाद, और जब वो वॉश सूख जाए तो उसके बाद हम बर्न सियाना की हेल्प से और ब्रश की हेल्प से उसे डार्कन करेंगे, टोन्स देंगे और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो यू नो दैट्स द वे टू कंप्लीट ए फुल फ्लेज्ड कैनवस पेंटिंग। जितनी भी टेक्निक्स अभी तक आपने सीखी हैं, जितनी भी टेक्निक्स अभी तक आपने कवर करी हैं, आपको उन सभी टेक्निक्स का एक परफेक्ट ब्लेंड इसके ऊपर लेके आना है। यहाँ हम ब्लेंडिंग से लेकर इम्पेस्टो तक, रियलिस्टिक टोन से लेकर हाइपर रियलिस्टिक टोन, पीओपी एप्लीकेशन से लेकर टेक्सचर क्रिएशन तक, हम ये सारी की सारी चीज़ें इस ब्यूटिफुल कैनवस के ऊपर करेंगे। स्टेप्स को देखिए, स्टेप्स को समझिए किस तरह से मैं काम कर रही हूँ। सो यू नो व्हाट, यहाँ पर हमारा टारगेट सिर्फ एक तरह की पेंटिंग बनाना नहीं है, यहाँ पर आपको जो चीज़ सीखनी है सबसे ज़्यादा वो सीखनी है टेक्निक, राइट टेक्निक किसी भी चीज़ को अप्रोच करने के लिए। आपने एक राइट टेक्निक सीखी, आपने अपने स्किल्स को और बेटर किया, और उसके बाद किसी भी तरह की पेंटिंग को रेप्लिकेट करना आप सीख गए। तो यहाँ पर मैंने जो पूरा का पूरा हमारा सेटअप है उसे मैंने बना लिया है। अब चॉक की हेल्प के साथ मैं कैनवस को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। वेल, ये मैंने पहले क्यों नहीं करा और मैं बाद में क्यों कर रही हूँ, इसका आंसर ये है ताकि आपको पता लगे कि किस पोर्शन में कितनी ड्राइंग आ रही है। ओके, तो आप इस तरह से जितने मर्जी बॉक्सेस बना सकते हो और इस तरह से अपनी ड्राइंग को और इजी कर सकते हो, ठीक है। बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हमेशा चौक के साथ काम करना है, आपको चौक के साथ ही इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है जो आपकी हेल्प करेगी। तो अब थोड़ी सी मैं लाइंस को डार्क करूँगी ताकि आपको पूरा का पूरा स्केच थोड़ा सा और बेटर वे में नज़र आए।
एक एक लाइन, एक एक पोर्शन अच्छे से आपको ड्राइंग करनी है, क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग परफेक्ट है तो उसके ऊपर आपके कलर्स ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगेंगे, ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आप कोई भी, एक एग्जांपल है, अगर आप कहीं पर भी अपने घर को अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो आपका घर का प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके घर का प्रॉपरली बना होना बहुत इम्पॉर्टेंट, तभी उसके ऊपर किसी भी तरह का जो रंग है वो अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी इसी तरह से आपको काम करना है। आपकी ड्राइंग जो है वो बेस है आपकी पेंटिंग का। अगर आपकी ड्राइंग परफेक्ट है तो उसके ऊपर कलर्स भी डेफिनेटली परफेक्ट ही लगेंगे। यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल स्केच कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू अ नेक्स्ट वीडियो।